लेकिन एक्सरसाइज से पहले जो टॉपिक है या जिससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे, वो है आपके पास डिवीजन का। जिस तरह से हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स पढ़े थे, जिन रूल्स पर हम लोग उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इसी तरह से डिवीजन के भी कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम कोई भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करवा सकते हैं। तो पहले हम उन रूल्स के बारे में, तो रूल नंबर वन आपके पास है, इंटीजर विद सेम साइन। क्या डिवाइड होने वाली दोनों वैल्यूज का साइन सेम हो, या वो दोनों प्लस की हो या दोनों माइनस की हो, तो उसको किस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। चेस में वही जिस तरह से आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में किया था कि अगर सेम साइन वाले वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएं तो आपस में क्या हो जाते थे, प्लस हो जाते थे। इसी तरह से अगर सेम साइन वाले वैल्यू डिवाइड होगी तो आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। व्हेन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर ऑफ सेम साइन, then result is always positive। बिल्कुल जो मल्टीप्लीकेशन का पहला रूल था वही रूल डिवीजन का है कि जब भी दो वैल्यूज को वहां मल्टीप्लाई कराते थे एड सॉरी साइन हमेशा प्लस के आते थे, और यहां पर जब भी दो वैल्यूज को डिवाइड करवाएंगे हमेशा रिजल्टेंट साइन क्या होगा, प्लस का। किस तरह से इसके दो एग्जाम्पल दे देते हैं, कहीं करके प्लस फोर डिवाइडेड बाय प्लस टू, साइन प्लस के ऑलरेडी साइन बाहर आ जाएगा, फोर ओवर टू, टू वन आर टू, टू टू आर फोर, और ये आपके पास क्या आ गया, प्लस का टू। तो ये दो एक केस का एडिशन वाला सेम साइन डिस्कस कर रहे हैं, या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस। अब देखते हैं कि हम डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्शन वाला, माइनस माइनस सेम साइन रिजल्ट हमेशा आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहां पर क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, 4 ओवर 2, और ये आपके पास रिजल्ट क्या है, प्लस 2। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये प्लस क्यों आ रहा है, तो ये प्लस किस तरह से माइनस 4 ओवर माइनस 2, सेम साइन माइनस माइनस करके प्लस रहेंगे, 4 over 2 और ये आपके पास। तो ये कुछ आपके पास लाइक साइन रूल। अब जो सेकंड रूल है उसको डिस्कस करते हैं, अनलाइक साइन रूल या डिफरेंट साइन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन की तरह डिवीजन में भी अगर दो अनलाइक साइन आपस में डिवाइड होगी तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय another integer having different sign
नहीं, जब भी दो इंटीजर अपोजिट साइन वाले प्लस या माइनस वाले आपस में डिवाइड होंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, हमेशा माइनस है। इसकी दो एग्जांपल ले लेते हैं। माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय प्लस थ्री, लेकिन दोनों के साइन अपोजिट है ना, एक साइन आपके पास माइनस के, एक साइन आपके पास प्लस के। जब भी अपोजिट साइन वाली वैल्यूज आई तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। रिजल्ट आपके पास हमेशा नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले सिक्स ओवर थ्री और ये आपके पास कितना आ गया, माइनस का टू आ गया। एक एग्जाम्पल इसकी और ले देते हैं। प्लस सिक्स माइनस थ्री डिवाइड में दो वैल्यूज जब भी डिवाइड हो गए होंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। माइनस का साइन बाहर आ गया है सिक्स ओवर थ्री और आंसर आपके पास क्या आ गया, माइनस का टू। देखिए इधर हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का था तब भी रिजल्ट है माइनस का है, अगर आपके पास छोटी वैल्यू के साथ साइन माइनस के तब भी रिजल्ट है माइनस का है। क्यों, क्योंकि हमने रूल टू को फॉलो कर रहे हैं कि जब भी दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही होगी तो आपके पास जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो हम लोग हमेशा इन रूल्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट ईयर एक्सरसाइज 4.5 है, उसमें इन दो रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक चीज हम याद रखें, डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, जीरो किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप कभी भी किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्स डिवाइडेड बाय जीरो आपके पास इंफिनिट आता है, इसका आंसर ही नहीं आता, क्योंकि जीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो जीरो से कोई नंबर भी डिवाइड नहीं हो सकता। अब हमें रूल्स को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से मजीद क्लियर करें। तो पहले एग्जाम्पल आपके पास है, माइनस 121 डिवाइडेड बाय माइनस 8। देखें पहला रूल है या दूसरा रूल है, पहला रूल था कि अगर दोनों साइन एक जैसे होंगे तो प्लस होते हैं, दूसरा था कि अगर डिफरेंट साइन होगी तो माइनस पे खड़े। देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, सेम साइन है ना आपके पास, ये साइन भी माइनस का है, ये साइन भी माइनस का है, सेम साइन हो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 1 to 1 over 11। दोबारा देखें वैल्यू की माइनस 1 to 1 को हमने डिवाइड करना था माइनस 11, सेम साइन था प्लस हो गया, वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, डिवीजन थी, आंसर आपके पास क्या आ गया, 11 आ गया, प्लस का साइन टू, क्योंकि दोनों वैल्यू ब्रैकेट के अंदर क्या है, सेम साइन। एक एग्जांपल इसकी और लेते हैं, माइनस 72 डिवाइडेड बाय प्लस 8। देखें दोनों के साइन सेम है, ये माइनस है, ये साइन प्लस है, कौन सा रूल, सेम साइन रूल आएगा या दूसरा आएगा अनलाइक साइन रूल आएगा। देखें यहाँ पे सेकंड रूल आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों के साइन आपस में सेम नहीं आ रहे हैं, जैसे नहीं आ रहे। अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हमने सेकंड रूल क्या पढ़ा था, कि जो
दोनों पॉजिटिव साइन होते हैं, हमेशा रिजल्ट क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं। 72 ओवर है और हमें पता है कि 8 9 टाइम क्या आता है, 72 होता है। तो ये तो था आपका आज का टॉपिक डिवीजन का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया।